सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल एलडीसी का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आपने अभी तक एसएससी एलडीसी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्दी से भर ले, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 12 दिसंबर ही है और जिसका एग्जाम 4 मार्च से 4 अप्रैल के बीच होगा। लेकिन इस बार एसएससी एलडीसी में सिलेक्शन लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस बार एसएससी ने एग्जाम के अंदर काफी बदलाव कर दिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि एसएससी ने क्या बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव क्या है वो क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट में। अब की बार डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए एसएससी ने साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया है, यानी कि अगर आपके पास 12th में साइंस सब्जेक्ट है तभी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट भी काफ़ी कम रखी गई है, केवल 3 पोस्ट हैं, जबकि इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही ग्रेड पे सबसे ज़्यादा है, करीब 2400 रुपये ग्रेड पे है। और शायद ये तो आप जानते ही होंगे कि एक साल से एसएससी का एग्ज़ाम भी कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। और तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव एसएससी ने रिटन एग्ज़ाम के टाइम ड्यूरेशन में किया है। पहले आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 75 मिनट दी जाती थी और अब इसे 75 मिनट से घटाकर 60 मिनट यानी कि सिर्फ 1 घंटा कर दिया है। इसलिए इस बार आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन इस बार टाइम घटाने के कारण एग्ज़ाम को सिंपल हो सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने चाहिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं।